हाँ जी, कैसे हो आप सब? रात के बज रहे हैं, 8:50 हो रहे हैं। और बात ये थी कि मेरे को ना इस टाइम रनिंग पे जाना था पार्क में, तो मम्मी बोलते तू रनिंग पे जाएगी, उससे बढ़िया वहाँ छोटे वाले घर चली जा। और ये थैला दे दिया है मेरे को और कहा है कि वहाँ राशन रखा हुआ है ना, जितना भी लगभग जितना तरह से हो पाए ले आए, यहाँ पर वहाँ चूहे खा जाएंगे और अलमारी भी ख़राब कर देंगे। अलमारी में राशन रखा हुआ है ना, तो काफ़ी हद तक तो राशन यूज़ हो गया था, पर जो राशन यूज नहीं हुआ मम्मी कह रहे हैं कि यहाँ पर यूज हो जाएगा, 10-15 दिन लग जाएंगे ना, फिर अभी यहाँ पे राशन खत्म हो रखा है तो फिर अभी नहीं खरीदेंगे, बाद में ले आएंगे राशन ना, वही वाला यूज हो जाएगा घर पे। तो काफी डब्बे चीजें रखी हुई हैं, तो मैं सारे डब्बे भी उठा लेती हूँ नए वाले इधर। ठीक है जी, चलो वहाँ पहुँचते हैं। ये क्या हो गया है, पूरी रोड अंधेरा हो गया है, लाइट चली गई है यहाँ की, ये देखो आप कितनी अंधेरे वाली रात होगी, क्योंकि आसमान में आज चांद भी नहीं निकला हुआ ना, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि सामने क्या है, ऐसा कभी होता नहीं है वैसे। लो जी, लाइट आ गई है ना, अब सही लग रहा है। एकदम अंधेरा हो गया था इस रोड पर, फिर मैंने फ़ोन की लाइट जलाई थी तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी थोड़ा सा और रास्ता है करके वहाँ पहुँचते हैं। घर पर आ गई हूँ और मैं इसीलिए कह रही थी कि अभी घर पे ना थोड़ी सफाई की ज़रूरत है, आपको दिख ही रहा होगा ना, कई दिन हो गए थे। तो देखते हैं, चलो हम खोल के देखते हैं क्या क्या राशन पड़ा है इसमें जो हम निकाल के लेके जाएंगे। एक सेकंड रुकिए, क्योंकि वहाँ तो काम आ जाएगा। ये दालें रखी है, निकाल लेती हूँ मैं, ये डब्बे ही एज इट इज़ ले जाती हूँ, एक काम करती हूँ ना, फिर खाली हो जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे ना। ये जैसे एक ये दाल रखी है, ये तो मूंग की दाल है, ये चने की भी दोनों ले चलते हैं, वहाँ तो कोई खा ही लेगा है ना जी। ये दालें ले जाती हूँ, मम्मी कह रही थी ले आ सामान, और देखते हैं क्या क्या सामान इसमें रख रखा है ना, मुझे खुद को याद नहीं है सच कहूँ तो, कि क्या क्या लेकर आई थी उस टाइम में। हाँ ये भी थी, सेवियाँ तो विहान खा लेगा। हाँ ये तो देखो अंदर रखी ना, दिखती भी नहीं है चीज़ें और ना खाई जाती, फिर कम से कम मम्मी वहाँ बना देते हैं, उबाल देते हैं। ये मक्की भी ले चलते हैं, ये भी अच्छी लगती है। हाँ और बादाम तो मेरे को लेके जाने थे, बादाम मैं खा रही हूँ ना ड्राई फ्रूट्स, तो उसमें बादाम नहीं थे मेरे पास, तो मैं यहाँ रख देती हूँ एक बार निकाल के। और एक ही मूंग की दाल भी ले चलते हैं, ये डब्बा भी लेके जाएंगे राशन में। और क्या, अरे पीली वाली मैं तो फालतू में ही राशन लेकर आई ना, अभी ये ख़त्म ही नहीं हुआ था। ये देखो ये ऐसी की ऐसी दाल रखी है, ये तो करीबन एक महीने का राशन है, अभी ख़त्म करते हैं फटाफट, वरना तो ऐसे ही पड़ा रहेगा ना। और क्या है, ये देखो ये भी अच्छी है, मैं लेकर आई थी न्यूट्रेला, सामान तो कितना लाई थी ना, हमारे घर सब्जियां बनाते रहते हैं, दालें ऐसी की ऐसी पड़ी हैं। इसमें क्या है भाई, ये तो मसाले हैं। हाँ ये तेल का पैकेट भी ले चलते हैं, और हींग की एक डिब्बी ले चलती हूँ वहाँ पर, बाकी यहाँ पड़ी रहेगी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिफाइंड भी ले चलती हूँ, मम्मी ने सही बोला कि वहाँ तो बनाया जाएगा, वहीं बना लेंगे खा लेंगे ना। तो जी और तो मुझे चावल दिख रहे हैं, चावल भी ले चलते हैं, और तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा कुछ खास। यहाँ देखूँ नीचे हाथ डाल के, इसमें क्या है, एक और दाल है। तब भी सोचे, पता है हमारे घर में सब्जियां बनती रहती है। ये देखो राजमा भी लाई थी, मतलब कुछ भी तो नहीं बनाया चलो वहाँ पे ही बन जाएगा कम से कम ना अंधेरे में। इसमें क्या है, ओ ये तो रिफाइंड है, ये यहीं रख देती हूँ, ये खिंड जाएगा ना लेके जाऊँगी बस। बाकी तो ये, इसमें क्या है, ये देखो ये तो मैं और लेकर आई हूँ कल जाके, चना ये ख़राब हो जाएगा, इसको भी लेके चलते हैं। तो बस ये सामान ले चलते हैं यहाँ से, इस ये तो छोड़ देते हैं, तो बुरा है बुरा रहने दूँ क्या, ये ले चलूँ, एक काम करती हूँ ले चलती हूँ विहान के लिए, मम्मी खीर खूर बनाती है ना उसमें यूज़ हो जाएगा। बस ये सामान है, इनको पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ये देखो आप,
पूरा ना ये बैग भर गया है, पूरा एकदम भारी हो गया है। ओ बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही भारी हो गया है। चलो कोई नहीं, अच्छा है, लेकर चलते हैं, उठा के लेकर चली जाऊंगी। एक्चुअली बात ये है कि ना अभी ना जब तक हमें वो घर नहीं मिल जाता, हो सकता है महीना डेढ़ महीना लग जाता है ना, कागजी कार्यवाही होती है उसमें, तो उसके बाद तो सोच लेंगे वहाँ पे काम होएगा, उसके बाद वहाँ शिफ्ट करेंगे तो लग जाएगा, अभी तो टाइम काफी 2-2.5 महीने। उसके बाद भी हम श्योर नहीं है कि ये घर खाली करेंगे या नहीं, क्योंकि मम्मी कह रही थी इस घर को भी रख लेंगे, यहाँ पे मैं रह लूंगी, तो या फिर पापा जी कहते हैं कि मैं रह लूंगा, जैसे कभी आधे टाइम बैठे रहते हैं तो ना इस तरीके से इस घर को ना जैसे एज अ इस तरीके से यूज कर लेते हैं हम, जैसे कभी किसी का मन उदास हो सैड हो तो वो यहाँ आके बैठ जाता है अपना, बस यहाँ टीवी नहीं है और तो सब कुछ है ना। चलो निकलते हैं यहाँ से, सामान उठाती हूँ मैं, आओ लेंगे अब हम यहाँ से, और राशन डब्बों में वहाँ सेट कर देंगे रसोई में। यहाँ पर ना एक रास्ता तो इधर से है, मतलब सीधा जाके फिर घूम के वापस आओ, और एक ये शॉर्टकट है। तो वैसे तो बारिश आई थी, थोड़ा डर लगता है, हरियाली है ना बिल्कुल इसमें से जाते हुए, पता नहीं पानी भी भर रखा हो, पर मुझे लग रहा है ये डायरेक्ट रहेगा सीधा, और बैग भी भारी है हाथ में, तो मैं यही वाला रास्ता ले लेती हूँ, यहाँ से जाऊँगी सीधा सीधा तो था, यहाँ से जाऊँगी, कुत्ते पीछे लग रहे हैं, तो यहाँ से चलते हैं, और साथ में ना हरियाली बहुत ही ज़्यादा है, नहीं जाया जाएगा, पता नहीं कौन सा सोजिनो रो ना यहाँ इसमें, तो मैं जो मेन रास्ता है ना पक्की सड़क वहीं से होके निकलती हूँ। हाय कंधे टूट गए मेरे तो, बट कोई ना, हाँ यही रास्ता ठीक है, यही से ही निकलते हैं। ये बात ना, मैं घर आ गई थी फिर मैं दोबारा नहीं गई रनिंग के लिए, कल मैंने रनिंग नहीं करी, मैं इसी में ज़्यादा थक गई थी, ये सामान लेकर आई ना बस, चलो यही काफ़ी, इतना ही चक्कर हो गया था मेरा। और विहान बाबू के साथ ये रात का टाइम होता है ना मेरा 11 बजे, तो सोने से पहले ना थोड़ा हम खेलते हैं रात को बेड पे, तो कल रात को मैं 12 बजे सोई थी। गुड मॉर्निंग, मैं नहा के आई हूँ, यहाँ सीढ़ियों पे बैठी हुई हूँ, और बस इतना बोलूँगी कि मैं लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में ठीक नहीं चल रही हैं इस टाइम, जो मैंने अभी तक यूट्यूब पे नहीं बताई हैं, और मैं कोशिश मेरी यही है कि मैं वो चीज़ें ना लेकर आऊँ यूट्यूब पे। और हाँ, अगर आप कुछ सोचो कि वो चीज़ें किससे रिलेटेड है, क्या बात हो रखी है, क्या मेरी लाइफ में चल रहा है, तो मैं पहले ही चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि उसका मेरे ससुराल साइड से कोई लेना देना नहीं है, उधर से कोई बात नहीं है, ना कोई लेना देना है, तो उस चीज़ को आप वहाँ मत सोचिएगा कि ऐसा कुछ है। पर वो है कि चीज़ें मेरी लाइफ की अब भी कुछ खराब चल रही है, जिस दिन से मैं आपको, मतलब कई बार आपने देखा होगा ना मैं लाइफ में कह देती हूँ कि हाँ मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में होने का कारण सिर्फ सनी नहीं होते हैं, सनी का जाना तो है ही है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं मेरी लाइफ में, जो चीज़ें चलती रहती हैं, और मैं उन चीज़ों को यूट्यूब पे शायद नहीं बताती हूँ, क्योंकि है ना कि अब फिर वही, अगर मैं बता देती हूँ बातें फिर आधे लोग ऐसे भी हैं जो कि मुझे पसंद नहीं करते हैं यूट्यूब पे, वो क्या करते हैं मौका ढूंढते हैं कुछ ना कुछ बोलने का, है ना, कि कुछ ना कुछ पॉइंट मिले निधि का, और फिर हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ बनाए करें, ठीक है, इसीलिए मैं वो चीज़ें नहीं बताती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है इंसान के पास, मतलब वो चीज़ें इतनी भर जाती है दिल में, इतना भारी हो जाता है कि वो चीज़ें ना चाहते हुए भी आ जाती हैं, ठीक है, ना चाहते हुए भी आ जाती है, क्योंकि आपका जब दिल भर चुका होता है तो आप हमें, आप कोई ना कोई इंसान ढूंढते हो जिसको साथ आप अपनी वो चीज़ें बातें शेयर कर सको। और हमारे लाइफ में हमारे पार्टनर नहीं हैं, हमारी लाइफ में हमारे लाइफ पार्टनर नहीं है, हम खो चुके हैं, तो वो चीज़ें जब हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी लाइफ में हो जाती हैं, तो वो चीज़ें फिर यूट्यूब पर आ जाती है, सही कह रही हूँ ना मैम। तो मैं अभी भी, मेरी कोशिश यही है कि मैं वो चीज़ें ना बताऊं, लेकिन हाँ अगर वो चीज़ें मेरी लाइफ में और कंटिन्यू चलती रही जो अभी हो रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फाइट कर रही हूँ, एक ऐसा बैटल में लड़ रही हूँ इस टाइम जिसके बारे में शायद आप में से किसी को नहीं पता है, नहीं पता है किसी को, तो उसके बारे में मैं बस इतना कहूँगी कि वो जो फाइट है ना, मैं कहते हैं ना कि बैकएंड पे लड़ रही हूँ, बैकएंड का मतलब समझते हो ना, फ्रंट में ना लड़के बैकएंड में लड़ रही हूँ, बट बस मैंने इतना बता दिया आपको कि हाँ
मेरे ससुराल वालों का कोई इस चीज़ में लेना देना नहीं है, मैं जिसकी बात कर रही हूँ या जो बात कर रही हूँ, और वो चीज़ मुझे अब खुद ही सोल्व करनी होगी। और मैं पहले भी स्टेप्स ले चुकी हूँ उस चीज़ को सोल्व करने में, लेकिन मैं हर बार ना कमज़ोर पड़ जाती हूँ और मैं ये सोच के बैठ जाती हूँ नहीं छोड़ कोई नहीं छोड़ो जाने दो जाने दो। और हाँ एक चीज़ और, इसमें मेरे को कोई मेरे को कमेंट करे कि मेरे भाई से कोई लेना देना है, तो मेरे भाइयों का भी कोई लेना देना नहीं है, जो मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन उसमें ना तो मेरे ससुराल वालों का कोई लेना देना है ना मेरे भाइयों का लेना देना है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो चल रही है इस टाइम, जिसकी वजह से मैं आज भी रोई हूँ। मैंने एक रोते हुए वीडियो बना दिया था 10-12 मिनट का, उसमें मैं बहुत रोई हूँ, लेकिन वो वीडियो मैं पोस्ट नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। मैंने सोचा था एक बार डाल दूँ, फिर मेरा हाथ रुका। और ऐसा बहुत बार होता है कि मेरी कोई वीडियो होती है ना, मैं एक बार जरूर मैं एक बार डालने से पहले सोचती हूँ अब आज के टाइम में कि ये वीडियो अगर मैं डाल रही हूँ तो उससे क्या होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे को मेरी वीडियोस में ना, मतलब आप समझते हो कि जो मतलब जो लोग हेटर्स हैं वो भी फिर उनको कोई ना कोई पॉइंट मिल जाता है कुछ बोलने का, और फिर वो कुछ कहेंगे वो चीज़, फिर आप भी समझते हो ना ये चीज़ की, ये चीज़ फिर ख़राब हो जाती है। तो मैं ये चीज़ नहीं लेकर आ रही हूँ, लेकिन आपको इतना ज़रूर मैं हिंट दे रही हूँ कि आने वाले दिनों में आपको शायद मेरी कुछ स्ट्रॉन्ग फैसले लेते हुए मैं दिखूँ, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग फैसले मैं लूँगी और वो चीज़ आपको दिख जाएगी, क्योंकि अगर वो चीज़ ठीक नहीं हुई तो मुझे लेना तो पड़ेगा वो फैसला। अब मुझे अपनी लाइफ को लेके बड़े बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ। दिन की शुरुआत हुई है रोते हुए, बहुत अच्छी शुरुआत हुई आज मेरी दिन की। आज पता नहीं, दिन में हमेशा खुद बोलती हूँ कि लाइफ में ना अगर सुबह की शुरुआत ख़राब होती है तो पूरा दिन ख़राब जाता है, और मेरी शुरुआत ही रोने धोने से हुई है आज। तो पता नहीं आज का दिन मेरा कैसा जाएगा, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। बस काम वाम निपटाऊंगी, थोड़े से काम करके थोड़ा बिजी रखूंगी खुद को, और उसके बाद देखते हैं दिन कैसा जाता है कैसा नहीं, ठीक है ना। अपनी तरफ से कितना नहीं यार, भगवान भी ऐसे कहते हैं कि ना उन्हीं लोगों से ज़्यादा परीक्षाएं लेते हैं, एग्जाम्स उन्हीं के लेते हैं जिनको लोग भगवान को लगता है कि वो एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे ना, वो पास हो जाएंगे। तो मुझे देते रहो देते रहो देते रहो, हम भी झेलते रहेंगे करते रहेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। खुश रहो और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।